गाइस ये फोटो एडिटिंग को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी का एक डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इस फोटो को पोस्ट करने के बाद मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि यार जितना ये ब्लड वगैरह है वो एडिटिंग वाली है कि ओरिजिनल है कि क्या है बोल के। तो भाई ओरिजिनल तो नहीं है और ना ही एडिटिंग वाली है, बट ये फेक ब्लड है। मतलब कलर वलर का यूज़ किया था मैंने, मतलब फ़ोटो शूट कर रहे टाइम, तो एक कलर वाली है। अगर आपको एडिटिंग वाली करनी है तो इसके लिए मैं PNG दे दी हूँ, बहुत सारी 3-4 PNG दे दी हूँ ब्लड की, और जो स्किन कट जाती है उसकी भी दे दी हूँ। तो यार आप एडिट कर सकते हो, और इसमें मैंने बैकग्राउंड वगैरह कार वगैरह को कैसे सेट किया हो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करके अपना फोटो को ऐड कर लेनी है, एंड इसमें आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड पहले से इरेज्ड है, मतलब मैंने पहले से इरेज कर चुका था। तो अगर आपको इरेज करना नहीं आता गाइस तो बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पे, या आप मेरे पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो जानबूझकर मैंने पहले ही ऐड किया फ़ोटो को, जो कि ऐड करना ज़रूरी नहीं था, बट मुझे एक पेज चाहिए था जो कि बड़ा सही। तो आप अपना नॉर्मली फोटो को ऐड कर सकते हो सबसे पहले, एंड इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ऐड फोटो को प्रेस करके इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, एंड इस तरह आपको सेट करेंगे, एंड इस तरह मैं इसको सेट कर लूँगा। तो यहाँ सेट करने के बाद मैं प्लस वाले आइकन को प्रेस करूँगा जो कि लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी, एंड ऐड फोटो को प्रेस करके अपना मॉडल को ऐड करूँगा जो कि इस बैकग्राउंड इरेज है। तो आप यहाँ भी इरेज कर सकते हैं जो पहले, मतलब पहले वीडियो में मैं जैसे करता हूँ वैसे ही कर सकते हैं, और आपको यहाँ कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं इसे फुल साइज पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड की भी ज़रूरत है। और अब मैं ऐड करूँगा एक्सीडेंट कार वाली PNG को। तो इसमें मैं 2 PNG ऐड किया हूँ, तो इसमें आप 2 PNG को एक साथ ऐड मत करना, 1 PNG को ऐड करना जैसे मैं कार वाला के हूँ। तो अगर आपको बाइक वाला पसंद है तो आप बाइक वाला को ऐड कर सकते हो, सो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं बाइक वाला को हटा देता हूँ एंड कार वाले को यहाँ पर सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस ये हो गया सेट, और सेट करने के बाद बैकग्राउंड को प्रेस करेंगे एंड इफेक्ट्स पे आ जाएंगे, और ब्लर वाले ऑप्शन को प्रेस करके सिंपली आपको ब्लर को प्रेस करना है एंड इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे, मतलब इसे आपको 5 पे रखना है या आप 10 पे भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। देन मैं इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ एंड अपना मॉडल को प्रेस करूँगा जिससे ये सामने आ जाएगी। सो फिलहाल मैं अभी कार वाली PNG को प्रेस किया हूँ एंड एडजस्ट को प्रेस करूँगा और ब्राइटनेस को कम कर दूँगा, देन टाइम को इनक्रीज़ कर लेंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो इतना करने के बाद गाइस आप मॉडल को प्रेस करके सिंपली आपको एडजस्ट को प्रेस करनी है, एंड इसमें भी आपको कुछ सेटिंग को चेंज कर लेनी है, मतलब टाइम एंड ब्राइटनेस को एंड शैडोज वगैरह को चेंज करके देख लेना। तो चलिए अभी से हम करते हैं सेट, मतलब बैकग्राउंड एंड PNG को। सो इस तरह मैं कर लूँगा सेट। देन मैं टूल्स को प्रेस करूंगा एंड क्रॉप को प्रेस करके इस तरह क्रॉप कर लूंगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा थे उसे मैं क्रॉप कर दूंगा तो बेटर रहेगा। सो इतना कर लेने के बाद गाइस आ जाते हैं इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ FX पे आके HDR फिल्टर को अप्लाई करेंगे, एंड फैट को मैं पूरा इंक्रीज करके देखता हूँ। देन इसे मैं 84 या 85 के आसपास रखूँगा या 80 के आसपास ही रखूँगा तो ये बेटर है। देन इरेजर को प्रेस करके आपको अपना फेस पे इस तरह इरेज कर लेना है। सो इसे मैं कर देता हूँ डन एंड देख लेना फैट को अपने हिसाब से। तो चलिए गाइस इसे मैं कर देता हूँ डन, एंड अगेन मैं टूल्स पे आ जाऊँगा एंड एडजस्ट को प्रेस करूँगा, एंड इसमें मैं टेम्प को प्रेस करके इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा। तो ये तो हो गया, देन मैं क्लैरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लेता हूँ एंड ब्राइटनेस को कम कर दूँगा थोड़ा सा, एंड साइडोस को भी इंक्रीज कर दूंगा थोड़ा सा। देन हाईलाइट को भी देख लेते हैं, तो इसे हम प्लस पे रखेंगे एंड इसे डन कर देंगे। तो इतना कर लेने के बाद जैसे आप अगर नेट फोटो को प्रेस करके इस PNG को ऐड करेंगे, एंड इसमें आपको ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर लेनी है जिससे ब्लैक बैकग्राउंड हट जाएगी, एंड आपको कुछ इस तरीके से सेट करके इरेजर को प्रेस करना है और इस तरह इरेज कर लेना है। तो
कमर प्लस वाले आइकन को प्रेस करके ऐड फोटो को अगेन प्रेस करूंगा एंड इस पेज को सेट करके ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट कर लेनी है। और इसके ऑपोजिट को कम कर लेनी है एंड अगेन आपको इसे ऐड करना है, इस पेज को ऐड करना है और ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर लेनी है एंड यहाँ मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, देन इसे कर दूंगा डन। डन करने के बाद गाइस अगेन ऐड फोटो को प्रेस करूंगा जो कि ये रॉड वाली पेंज को ऐड करूंगा एंड मैं अपने इसे हाथ पे पकड़ूंगा। तो अरे एक्सीडेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये एक रॉड है जो मेरे मतलब मेरी बॉडी पे लग जाती है, उसे मैं निकाल रहा हूँ, वैसे ही दिखाना चाहता था। तो इस तरह मैं सेट करूंगा, देन इरेजर को प्रेस करके मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करूंगा। उससे पहले मैं सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह आपको नुकीला बना लेनी है एंड जो बीच पे जो हाथ है वहाँ पर से इरेज करूँगा, तब जाके ऐसा लगेगा कि मैं सच में इसे पकड़ा हूँ। सो इतना कर लेने के बाद गाइस मैं इफेक्ट्स पे जाऊँगा एंड कलर को प्रेस करूँगा और इनवर्ड वाली ऑप्शन को प्रेस मतलब अप्लाई कर लूँगा एंड इसे फुल कर दूँगा जिससे हो जाएगी रेड, यानी इसे मैं डन कर दूँगा और मैं अगेन इस पेंज को ऐड कर लूँगा। और सेम आपको यहीं पर सेट करना है बिल्कुल उसी के ऊपर। आपको इस तरह इरेज करना है सेटिंग करके। तो यार मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ज़्यादा ही रेड लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा उतना। तो इसे मैं थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ, जो रेड वाला था रॉड उसके कम कर लिया हूँ एंड इस तरह सेट कर लिया हूँ। तो ये ठीक है, देन मैं कर दूँगा इसे डन। डन करने के बाद गाइस अब मैं जाता हूँ ऐड फोटो को अगेन प्रेस करूँगा एंड ये लास्ट पीएनजी थी, तो इसे आपको यहाँ पर सेट करके ब्लेंड पे आके मल्टीप्लाई मोड कर देनी है और इसे आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेनी है। तो ये हो गया सेट, डन इसे कर दूंगा मैं डन। डन करने के बाद गाइस आपको आ जाना है ड्रॉ वाली ऑप्शन पे एंड यहाँ आने के बाद गाइस मैं अपना फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारी फ़ोटो सेव। तो अब हम ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम कलर करेक्शन एंड लाइट करेक्शन कर लेते हैं जिससे हमारी फ़ोटो परफेक्टली रेडी हो सके। तो इसमें मैं सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन को प्रेस करके एक्सपोजर को कम करके शैडोज को इंक्रीज़ कर लूँगा एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, मतलब मैं शैडोज को थोड़ा सा माइनस पे किया हूँ तो आप अपने हिसाब से देख लेना। देन ब्लैक्स को इंक्रीज़ करके मैं वाइट को माइनस पे करूँगा एंड उसके नीचे वाले ऑप्शन को प्रेस करके मैं इस टाइप को ओपन किया हूँ एंड सैचुरेशन को इंक्रीज़ करूँगा रेड कलर में एंड ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा एंड ऑरेंज कलर में आके मैं सैचुरेशन को कम करके ल्यूमिनस को इंक्रीज़ करूँगा। तो ब्लू कलर में व्यू को माइनस पे करूँगा एंड सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर दूँगा, बट उतना फ़र्क नहीं देखने को मिला। तो चलिए फिलहाल इस समय कर देता हूँ डन। डन करने के बाद गाइस मैं इसके साथ टाइम को इंक्रीज़ कर लूँगा थोड़ा सा, देन सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा एंड वाइब्रेंस को माइनस पे करूँगा और उसके नीचे वाले ऑप्शन को प्रेस करके क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे एंड बिगनेट को माइनस पे करेंगे। देन उसके नीचे वाले ऑप्शन को प्रेस करके शार्पनिंग एंड नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ कर दूंगा जिससे हमारी फ़ोटो हो जाएगी रेडी। तो मैं थोड़ा सा और चेंजेस करके देख लेता हूँ। सो गाइस आज की ये फोटो एडिटिंग आपको अच्छी लगी इस, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि ये फोटो एडिटिंग आपको कैसे लगी। तो इस फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।